अस्सलाम वालेकुम तुलबा, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकबर फ्राम कंसेप्ट डेवलपर एकेडमी। तो तुलबा, आपको इस वीडियो का थंबनेल देखते ही पता चल चुका होगा कि इस वीडियो का मकसद क्या है और ये क्यों बनाई जा रही है। ये एक ऐसा मसला है जो कि तमाम तुलबा के लिए बहुत तकलीफ दे और उनके लिए परेशानी का बायस बन रहा है। तो इसके लिए जो है, मेरी पर्सनल जो एक्सपेरिमेंट और पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने इसको डिफरेंट तरह से क्लैरिफिकेशन के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो का इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे वही बात पुरानी वाली कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। बहुत से लोग मैंने देखा है कि इस परेशानी में मुब्तला है और मुझे उनको अलग-अलग बताना पड़ता है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनकी मुश्किल को हल करने में आपका भी जो है एक कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि दोस्तों के साथ जिनको आप जानते होते हैं उनको शेयर कर दिया करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाता हूँ जो कि ऑथेंटिक होती हैं और मुकम्मल जो है उसकी क्लैरिफिकेशन के बाद मैं अपलोड करता हूँ, लिहाजा उनका टाइम ज़ाया ना हो। हुआ ऐसे कि जो है वो मलक तकीर साहब इस्लामिक बॉल ओपन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक ट्वीट किया जिस ट्वीट में ये कहा गया कि इस्लामिक बॉल ओपन यूनिवर्सिटी के जो तुलबा हैं, जो कि कंटिन्यूस तुलबा है, उनके लिए एक नई पोर्टल जो है वो लॉन्च की जा रही है और इस पोर्टल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ जो है हर 6 माह बाद उसको चेंज किया जाएगा और उसको सेंड किया जाएगा स्टूडेंट के घरों में और स्टूडेंट के नंबर पे। ये मेरे एक स्टूडेंट का जो मैसेज आया मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसा मैसेज आपको आएगा। डॉक्टर तकीर हुसैन साहब के मुताबिक ये बहुत अच्छा कदम है, तो आपको ये कैसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम कि इसमें कुछ खामियाँ भी हैं। सबसे पहली खामी तो मुझे ये नज़र आ रही है कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को, इस पोर्टल को लॉन्च तो कर दिया लेकिन इसकी मुकम्मल तौर पे क्लैरिफिकेशन और लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ जो है इनकी मुकम्मल मालूमात शेयर नहीं की गई, जिसकी वजह से तुलबा बहुत परेशानी से दोचार हैं और इस वजह से वो जो हैं वो डिफरेंट रिसोर्स से इसकी क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। इन परेशानियों में सबसे पहली परेशानी तो ये है कि इस पोर्टल की मुकम्मल तफसील अभी कहीं से भी पता नहीं चल रही। दूसरी परेशानी ये है कि अगर वो आपको मैसेज करते हैं तो आपको मैसेज कैसे आएगा। और तीसरी परेशानी ये है कि अगर आपका उधर जो है कई तुलबा जो हैं उनके मोबाइल नंबर उधर नहीं हैं, या ऐसा है कि उनके मोबाइल नंबर जो हैं वो पोर्टेबल हैं, मतलब कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे वो पोर्टेबल हैं, तो उनका क्या तरीक़ाकार है। ये तमाम परेशानियां जो हैं एक तरफ, और तीसरी परेशानी ये हो सकती है कि अगर आपका पोर्टल नहीं खुलता तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है, और अगर किसी को मैसेज आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने स्टूडेंट का दिखाया, जैसे कि उसको मैसेज आ चुका है तो वो भी नहीं खुल रहा, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल है तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो प्यारे तुलबा, आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि 3 दिन पहले जो है ये पोर्टल कंटिन्यूस स्टूडेंट के लिए जो है वो लॉन्च किया गया लेकिन अभी तक इसको फाल नहीं किया गया। लिहाजा आप जो है अगर आप कोड लगाएंगे, अपना कोई भी कोड लगाएंगे, किसी भी तरह से लगाएंगे तो वो जो है वर्किंग नहीं करेगा। अब दूसरी बात ये है कि आपको कोड अगर नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेंगे। तो आपको अगर कोड नहीं मिले तो यूनिवर्सिटी जो है आपको डाक के ज़रिए भी एक कोड जो भेजेगी, जैसे आपके जो हैं वो असाइनमेंट आती थी, सॉरी आपके एडमिशन फॉर्म पहले आते थे, तो उस कोड को आप इस्तेमाल करते हुए उसको यूज़ कर सकेंगे। उसमें डिफरेंट जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो तमाम तरीक़ाकार वो बताया जाएगा, लिहाजा आप वेट करें। अब यहाँ से एक और मसला क्रिएट हो सकता है कि बच्चे कहते हैं जी ये देखें जी हमारे पास अभी कुछ देर रह गए हैं, हाँ खासकर ये एफए और मैट्रिक के, कि जिनके दाखिले जो हैं अगर ना भेजे गए तो उनको लेट फीस या उनका दाखिला रोक लिया जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि इस्लामिक बॉल ओपन यूनिवर्सिटी
कभी भी एक बार जो है वो डिमिशन नहीं करती, और जैसा कि अब पेचीदा हालात हो चुके हैं कहीं पे कोई जो मसले नहीं है और लगातार जो है काली की जा रही हैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को, तो इस केस में ये कन्फर्म बात है कि इस डेट को बढ़ाया जाएगा। और दूसरे जो तुलबा ऐसे हैं जो कि हायर क्लासेस के हैं तो उनको 23 अगस्त के बाद जो है उनके मैसेज भी आना शुरू हो जाएंगे, और तब तक जो है एक या दो दिन बाद ये महरमों की जो छुट्टियां हैं उनके बाद उम्मीद है कि इसको फाल कर दिया जाएगा। और जैसे ही फाल होगा मैं आपको फौरन से एक वीडियो के ज़रिए जो है वो मुकम्मल डिटेल कि इसमें कैसे आपने अपलोड करने फॉर्म वगैरह ये भी आपको सिखा दूंगा। तो उसके लिए आपने ज़रूरी है आपके लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसमें बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले और आपका जो है वो कोई टाइम ज़ाया ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और मेरी आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदले और आपको जो है वो खुशो खुरूम रखे। आमीन।